आ रही है देखो बहते हुए। जाने वाले हम लमरट गांव में, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। तो दगड़ियों आ गए हम लमरट गांव में। आंधी एक देखो पानी रहा, मज़ा ही आ गया। ठंडा ठंडा गांव का पानी जैसे चेहरे में लगा, अलग ही स्पर्श था वो। एक मुंह धो लिया हमने, पानी पी लिया। तो अभी चलते हैं, यही रास्ता है गांव का ऊपर, ये देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं ऊपर। आ जाओ साथियों मेरे साथ। वो ये क्या था? लगता है यहाँ पे किसी सांप की आवाज आई है, और हमें अपने पांव फूक फूक के रखने होंगे, क्योंकि चारों तरफ यहाँ बरसात के कारण झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई हैं, जो कि बेहिसाब हो जाती हैं अपनी मर्जी से। कहीं पे भी ये झाड़ियाँ हो जाती हैं। ओ क्या रास्ता है, मोड़, फिर एक और मोड़। दगड़ियों आ गयो हम लमरट गामा, यु पहल पहल घर ची एक गामा, और एक बटे ये रास्ता च जानु एथर गामा। तो एक बटे चल दछो एथर दिख दछो कि कंच भौगोलिक नजारा ये गांवक, और एक बटे अगना जंदो प्रतीक दछो, और कुकुर नहीं होना चाहिए बस गरम, बाकी तो सब सही से चल रही। क्या तेरा नाम बोला छोटू? फोन नंबर लीजिए। क्या नाम, क्या बैंक गोल कह दी? ना ना कुछ नहीं है, वाल नहीं वाल बैंक होगा तो कुछ। सोमिल हेलो कर दो। हेलो डॉगी आगे देखो। सोमिल इधर देखो, हेलो कर दो। हेलो हेलो करो भैया। डॉगी आगे देखो, डॉगी हेलो हेलो हेलो। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? सोमू। बोलो ये देखो सोमू गोसाई। सोमू गोसाई जन्नो मुझे पालो। ये चलिए चलिए बोला छोटा अपने लोग आएगी म्यार बूट सुसरा छियो। अच्छा म्यार बूट सुसर बक्कार सिंह का घर जो देखो दगड़ियों कितना पुराना घर छियो। देखो पुराना घर से मार की फर्स्ट क्लास बणियो, पुराना पुराना जमाना में अभी तक छै चिट्टी की ऊपर। अच्छा तो ये लमरट गांव में है हम इस वक्त, और अभी हमारा एक छोटा भाई है जो कि यही इस गांव का है, जिसका नाम है सौरभ, और अभी वो शायद बाहर ही है देहरादून में, हायर एजुकेशन के लिए बाहर ही गया है पढ़ने के लिए, शायद बीटेक कर रहा है किसी कॉलेज से बाहर के, तो अभी गांव में है नहीं। तो ये है अपना लमरड़ा गांव, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये गांव लगता है दिखने में, तो गांव घूमने में मजा ही आ जाता है मुझे। सो देख लिया आपने लमरट गांव का नज़ारा, कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का, और हर गांव अपना गांव हर किसी को अच्छा ही लगता है। तो गांव गांव जाने का जो मेरा शौक है, वो भी उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है इस वक्त। क्या तो अभी चलते हैं आगे सामने घूमते हैं। म्यारे पिछना देखो क्या लग की क्या लग डाल छीन, और यो हल्दू बुती हूँ यखम तल्ली। तो यो छ लमरट गाओ, और अभी यखम म्यार छोटू भूला सौरभ वे घर ची ना, तो अखी चल दो अभी।
जहाँ हम क्या लकी क्या लक डाल में आज यक चल रहा छो एथर एथर दिख रहा छो। अरे बाप रे तो इन लोगों ने क्या लग जंगल वाले मतलब ये देखो क्या लकी क्या लक डाल थी यक इन लोगों ने जंगल वाले दोस्त देखो कितने केले के पेड़ हैं। ऐसा लग रहा है मैं केले के पेड़ों के जंगल में आ गया हूँ। ये देखो चारों तरफ केले ही केले के पेड़ जो कि दगड़े चात मिली जान मतलब हम गामा कखे भी जंदो के घर में भी सब पूछता छी कि चाह पे लियाओ तो हम सब कुछ मनाई कर दो पर अब टाइम बंडे वे गए दो तीन घंटा वे गई तो हम बाद चलो पे लिंदो चाह भी मैं यार दगड़े सौरभ बैठी हूँ चाह पिया हूँ पर मैं यहाँ बैठी छो जो घर देखो मैं आप पिछना पुराना घर इन्नी होंदा चाहिए क्या फर्स्ट क्लास लगने में घर नहीं लगनो आहा क्या ही स्वाद है। तो दगड़ियो यो लमरट गांव का एक कोना इधर है और दूसरा कोना इधर है तो इधर हम पूरे घर से होके आ गए मतलब इधर पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमें तब हम उस साइड जाएंगे जहां से हमें गांव का पूरा ज्योग्राफिकल व्यू दिखेगा तगड़ा ऊपर से। यहाँ से अभी हम हैं डाउन में तो हम यहाँ से जाएंगे थोड़ा हाइट में जहाँ से हमें पूरे जितने गांव में घर है सब दिख जाएंगे। सो चलते हैं ऐसी वीडियो में बने रहिए। तो सौरभ मजा आ गया गांव में ना बहुत बड़ा गांव है बहुत बड़ा गांव है भाई यार एक कोने से अभी तो हम एक ही कोने में गए अभी उस कोने में जाना हमें ढूंढते हम सौरभ को रहते हैं सौरभ तो है नहीं ना वो कना बटे बॉडी टाटा बाय बाय बॉडी टाटा बाय बाय बॉडी नहीं सुनना तेरे बोली। अच्छा देखो हर गांव में कोई जान पहचान का मिल ही जाता है। जैसे यहाँ पे अभी एक दादी थी तो दादी ने बताया कि वहाँ पे एक शॉपकीपर है जेरीखाल में दुकानदार है वो मेरे कुछ रिलेटिव है तो वो कर रहे थे अक्खी भैया की बात जो कि जेरीखाल में अक्खी भैया की दुकान आपने देखी होगी उनकी उनकी फूफू वगैरह कुछ लगती है जो भी है। तो गाँव जाके यही फायदा कि रिश्ते नाते निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे लोग कि हाँ आप यहाँ के हो यहाँ के हो। कहाँ है रास्ता ये है सो ये है यहाँ का नजारा। ये देखिए पेड़ के पीछे कुछ घर छुप गए हैं जो दिख नहीं रहे लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा गांव दिखा सकूं। सो दगड़े अभी चल दू छो मी घर और मिल दू छो आप तो नेक्स्ट व्लॉग में किले की मेरे फोन में बैटरी लेके खत्म से फिर बैठे वीडियो बना छो मी पर दगड़ दगड़ फोन और चीज भी। सो दोस्तों मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ क्योंकि सुबह से मैं वीडियो शूट और एक और काम था दोनों काम साथ में करता जिस वजह से मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ। और अभी हम आ गए हैं गांव से बाहर कम से कम दो तीन घंटे रहे हम गांव में और गांव में जाने का फ़ायदा तो आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ में कितना बड़ा थैला है ये जिसके अंदर है पहाड़ी केले और जो कि बहुत ही पके हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं जो कि अभी आधे रास्ते में कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढेंगे हम तो वहाँ पर ये दिखाएंगे आपको वहीं पर खा लेंगे इनको दो तीन भी क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो अब गांव में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो अभी हम रुके हैं यही यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से लमरड़ा वाली रोड से ऊपर आएंगे जस्ट इसी के सामने एक किलोमीटर आगे चुंडई बाजार है और जस्ट इसी के सामने है ये एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर जहाँ आप चाय पी सकते हैं और अंडा एग ऑमलेट कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो हम घर से पैक करवा के लाए थे खाना तो हम यहीं पर साइड में बैठ के बढ़िया करके यहाँ पे खाएंगे आराम से। अभी हमने बोला है भैया को दो चाय बनाने के लिए तो भैया अभी चाय बना रहे हैं और यहाँ पे आराम से बैठ के मस्त एंजॉय करेंगे। देखिए अभी हम गए थे वो वहाँ देखते हैं आप कितने दूर से आ रहे हैं हम कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर गए थे हम इस रोड से नीचे तो बहुत दूर से आ रहे हैं हम अभी। सो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पे रास्ते पे रुके हैं खाना खाने के लिए सुबह से कुछ नाश्ता ही किया था हमने घर से उसके बाद कुछ खाया नहीं और अभी टाइम मिल रहा है हमें खाने का क्योंकि गांव में घूमते घूमते बहुत टाइम लग गया। तो ये देखिए सौरभ भाई यहाँ पे घर से ही पैक करा के लाए हैं और मैं भी घर से पैक करा के लाया हूँ आलू बड़ी की सब्जी और सौरभ लाया है ऑमलेट। तो अभी पेट पूजा करते हैं पहले बढ़िया करके और वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं हम क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांव से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, तो गांव में जान पहचान वाले भी मिल ही जाते हैं बहुत। तो ये देखिए, गांव में एक दादी मिली थी जिन्होंने हमें ये पहाड़ी केले दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं खाने में और मिठास भी बहुत ही ज्यादा होती है इनमें। और ये देखिए, पूरी तरीके से पक रखे हैं ये, और ये लेकिन ये हैं 8 केले टोटल हमारे लिए, दोनों भाइयों के लिए। तो देखिए, ये कभी आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा जिन्होंने ये ट्राई नहीं किए हैं।